अम्बाहा नगर में लगातार दो दिन हुई बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। प्राचीन तालाब परिसर की झोपड़ियां और कई कच्चे मकानों में पानी भर गया है और सारे मकान और झोपड़ियां डूब गए हैं। इलाके में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पानी के बहाव से किशोर माहौर के घर की दीवार टूट गई है। शहर में रविवार रात से जारी झमाझम बारिश का दौर आज अल सुबह तक जारी रहा। पानी भर रहा घरों में, पानी भर रहा है हमारे साथ पूरी 7 साल के करीब थी। और दीवार गिर पड़ी बालंग पीछे की। तो तुमने शिकायत करी क्या नगर पालिका? शिकायत कर नगर पालिका बारे में बोला सुनते जी मैं तो बोला सुनते नगर पालिका बारे ज्यादा वो कच्ची नहीं सुनते मैं तो। अच्छा और कोई परेशानी? कुछ परेशानी भाई साहब, बस पानी भर जाता है, हमारी दीवार गिर गई है, नाच पानी के रोज के धंधा का भाई है। अब जो कछुए सब सबूत भी है। यूपी की खुशीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद से एक मामला सामने आया है जहां दहेज के लिए एक विवाहिता को प्रताड़ित कर उसे मारने की कोशिश की गई। जहां एक विवाहिता को शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन अचानक 26 मई को ससुरालियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। वो दिन और आज का दिन विवाहिता तब से लेकर आज तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। हालांकि पुलिस ने लगभग 20 दिन बाद 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और एक को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा ली है, लेकिन अभी तक फरार 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गाजियाबाद में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 1 चाकू, 1 मोटरसाइकिल और लूटे गए 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़े गए हैं, क्या मामला है? सुबह ट्रोनिका पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ा है, गोलू, शाहरुख और विकास नाम के 3 लुटेरे। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि करीब ये 3 महीने से मोबाइल छिनैती करते रहे हैं। लगभग 600 से ऊपर इन्होंने मोबाइल फोन लूटे। इनके गिरोह के 6 सदस्य हैं, 3 जो पकड़े गए हैं। 3 इसके अलावा जो सदस्य हैं वो दिलवर है, गेंडा है और तालिब है। ये 6 लोग अशोक विहार के रहने वाले हैं, तो तीनों को भी जल्दी गिरफ्तार किया है। वहीं डुमरियागंज से विधायक प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मिलकर क्षेत्र की 4 प्रमुख सड़कों को 7 मीटर चौड़ी करने की मांग की है, जिसके लिए मंत्री द्वारा अपनी सहमति जताते हुए जल्दी इसके लिए धन आवंटित करने का आश्वासन भी दिया। 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष आग्रह किया था विधायक होने के बाद कि हमारा डुमरियागंज बस्ती और इटवा ढेबरुआ बढ़नी नेपाल जोड़ने वाली रोड बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। दर्जनों जनपद इस रास्ते से जुड़ते हैं, जहाँ श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र शेरपुर कला में 8 महीने के बाद कब्र से बाहर शव निकाला गया। पुलिस फोर्स के साथ SDM मौके पर पहुंचे और कब्र को खुदवाया। वही मृतक के परिजनों ने DM से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला ये साजिद नाम का एक व्यक्ति था जो शेरपुर निवासी था। नवंबर 18 में उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जो कथा था उस समय उसका पोस्टमार्टम सबका नहीं कराया गया था। जालौन में लगातार हुई चोरियों से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने चोरों को पकड़ने को लेकर योजना बनाकर जिले भर में टीम लगा दी और सफलता भी हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली जालौन पुलिस के इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा जो है सराहनीय कार्य करते हुए आज चोरों का गैंग गिरफ्तार किया गया। रात्रि में जब ये क्षेत्र में दबिश में थे और इधर इस रेलवे स्टेशन की चेकिंग में थे तो इनको 4 व्यक्तियों के साथ एक साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली, जिनसे पूछताछ पर चोरी का काफ़ी पर्दाफाश हुआ।
सिद्धार्थनगर के बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के मिश्रा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों की जांच की। जांच के दौरान अधीक्षक एन के गुप्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दरमियान कोई कमी नहीं है। अब जो जितनी कमियां थी बेवा में, बेवा काफी बदनाम हो चुका था, तो उसमें धीरे धीरे करके सुधार लाएंगे। और यहाँ का आज जो है निरीक्षण में जो चार्ज है वो चार्ज का स्थानांतरण होगा। कोई बात नहीं, अब अवहेलना नहीं हो रही है। बड़े बाबू पूरा साथ दे रहे हैं और साथ देंगे ही, और इनका कार्य अच्छा है तो इनको वापस पूरा कार्य मिल जाएगा और बहुत अच्छा है। तो इनको मैं अभी सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी बना दिए जाएंगे। सयाना में दो दिन पूर्व ऊंचा गांव ब्लॉक पर तैनात बीडीओ डॉक्टर आदेश कुमार को धमकी देने वाले प्रधान को थाना नरसेना पुलिस ने आज जेल भेज दिया है। बीडीओ आदेश कुमार ने दो दिन पूर्व प्रधान के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, जैसे जनसुनवाई करते हैं उसी तरह से कुछ लोगों की परेशानी सुन रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि एक महाजन बड़ी बड़ी मूंछों वाले और अपनी घोड़ी के साथ ऑफिस के अंदर, मतलब जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ उस ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि मैं भी बैठूँगा, मेरी घोड़ी भी यहीं बैठेगी ज़बरदस्ती। और इस तरह से वो थोड़ा दबंगा स्टाइल में उन्होंने जो है घोड़ी को वहीं अंदर ऑफिस में ले आए। वो आधी घोड़ी आ गई थी और मैं अपनी सीट से उठ के गया तो उनको बोला कि आप बताइए क्या दिक्कत है, मैं आपसे बात करता हूँ और पहले इसको पशु को बाहर कीजिए घोड़ी को। इसी बात पे वो नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आप कौन हो, ये है वो है, और उसके बाद जो है गाली और इस तरह से बदतमीजी से पेश आने लगे। और फिर मैंने इनको कहा कि आप कोई भी दिक्कत हो, आपने जो मेरे बाहर चौकीदार बैठा था मैंने उनसे पूछा भाई ये आप कैसे एंटर हुआ ये पशु अंदर, मैं परेशानी पूछने के लिए बैठा हूँ लेकिन पशु कैसे अंदर आया। मेरे कुछ सचिव थे वो भी बाहर खड़े हुए थे। कौन कौन सचिव थे जिनके सामने? थाना नरसाना के गांव थाना गजरोला में एक प्रधान द्वारा वीडियो के साथ में अभद्रता की गई है, क्या है पूरी जानकारी? ये थाना नरसाना में ऊंचा गांव ब्लॉक के वीडियो द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप उनके द्वारा ग्राम प्रधान थाना गजरोला के ऊपर लगाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, विवेचना प्रचलित है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? सरकारी कार्य में बाधा डालने का 332 जो है उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें जो कार्रवाई की गई। मऊ में महिलाओं की सुरक्षा और बच्चियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कन्या सुमंगला योजना को धरातल पर चरितार्थ करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी 181 हेल्पलाइन के कर्मचारी जनपद की महिला उप निरीक्षक मौजूद रही। आज मऊ में यूनिसेफ के सहयोग कन्या बाल शोषण से जुड़े हुए हैं उनके साथ आज एक कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और उनको जो भी नई जानकारियाँ जो भी नए इनपुट्स यूनिसेफ से मिले हैं उनको लेकर के इस जिले में और एक बेहतर माहौल, जिससे कि बाल शोषण न हो, कन्या के विरुद्ध अपराध न हो, और कन्या सुमंगला योजना को लेकर के हम लोग इसको चलेंगे। बिजनौर में मदरसे की आड़ में पिछले कई सालों से अवैध हथियार का कारोबार खूब फल फूल रहा था। अचानक मदरसे में हुई पुलिस छापेमारी के दौरान कई अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने मदरसा संचालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ साहब, मदरसे में क्या कुछ पाया गया? मदरसे में सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो मदरसे के मालिक हैं साजिद, वो जो है दवा चलाते हैं, तो मदरसा चलाते हैं, उसी के आड़ में जो है अवैध शस्त्रों का भी जो है आदान प्रदान करते हैं, ताकि जो है जो भी लोग आते हैं किसी को शक ना हो, तो इसलिए अपना जो है देसी दवा का भी जो है करते हैं, बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो है शिक्षा देते हैं जी।
मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इसमें जो इस तरह से होता है, तो जो है हमने शेरकोट पुलिस के साथ जो है उसमें छापा मारा। छापे में 6 लोग जो है वहाँ से जो है मौके से जो हिरासत में लिए गए, और जो दवा का उनका जो कमरा था, सभी पूरे जो है 2-3 कमरे थे, सबको जो सर्च किया गया। जब दवा के कमरे को सर्च किया था तो उसमें दवा के जो डिब्बे रखे गए थे उसके अंदर से जो है डिब्बों में ये हमारे जो है एक तमंचा मिला, 32 बोर का एक तमंचा और 16 कारतूस उसके मिले। एक पिस्टल जो है 32 बोर की मिली, 2 मैगजीन मिली और 8 उसके जो है कारतूस मिले, और 315 के 3 तमंचे और 25 कारतूस मिले। सबको अपने हिरासत में लेकर के और 6 व्यक्ति जो मौजूद थे उनको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और जो पुलिस की इकाई के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है। जो भी जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार। जैसा कि ये जानकारी है, एक महिला मौके पर मौजूद थी, उसने कहीं दूसरी जगह जो और सामान अवैध हथियार रखे थे। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां जानवरों का चारा लेने गई 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप किया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश कर रही है। थाना भगतपुर में एक रेप की घटना हुई है, गैंग रेप की, क्या पूरा मामला है? थाना भगतपुर क्षेत्र में एक रेप का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग 15 साल के आसपास बताई गई है। उसके पूर्व के जानने वाले 3 युवकों द्वारा उसके साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। सर, यह भी है, जब उसके चाचा बचाने पहुंचे थे तो हम लकड़ा, उसमें अभियुक्त के भागने के चक्कर में ये बताया जा रहा है कि उसके चाचा को किसी नुकीली बस से चोट, हाथ में सिंपल इंजरी आई है। यूपी सरकार भले ही शिक्षा सुधार के तमाम वादे कर ले, लेकिन वे वादे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के गांव डोमघर में शिक्षा के हालत बेहद खराब है। गांव का पानी जूनियर स्कूल में घुसने के कारण स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। क्या नाम है सर आपका? फुरकान अहमद। फुरकान अहमद, ये जो जूनियर स्कूल है, इसकी क्या स्थिति है और कहां शिफ्ट किया गया? बिल्कुल जर्जर हो चुका है, इसमें गंदा पूरे गांव का पानी आता नालों का। अब कई बार हमने इसकी कंप्लेंट अपने लिखित DRC में भी दी है, और कई जगह यहाँ पर SDM साहब भी आ चुके हैं, 1-2 बार BDO साहब भी आ चुके हैं, लेकिन आज तक इसमें हुआ कुछ नहीं है। बच्चे भी हमारे यहाँ कम हो गए, जो पढ़ने आते हैं उन्हें भी अगर बुला के लाते हैं तो वो इस चक्कर में गंदगी में बच्चे। जिस तरह से ये पूरा जो पानी भरा हुआ है, इसका कारण क्या रहा है, कैसे पानी भर गया इसमें? ये तालाब जो है, जब पानी ये समरसेबल वगैरह चलते हैं तो डायरेक्ट चलते रहते हैं, अब पानी भी इसका स्कूल में भर गया। प्रधान वगैरह ने कोई इंतजाम किया नहीं इसका। देखा जा रहा है कि यहाँ कचरा और जानवर भी बांधे जा रहे हैं, जानवर वगैरह कचरा जो गांव का है वो भी उसी में पड़ लिया है। सब पानी भरा हुआ है, 2-2, 3-3 फीट उसके बराबर में तालाब है बहुत बड़ा। श्रीमती निधि भटनागर, आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं प्रधान अध्यापक के पद पर हूँ यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय डोंगर में। मैडम, यहाँ जो स्कूल है जूनियर, उसकी स्थिति खराब है, क्या कारण है और आपके यहाँ जो शिफ्ट किया गया, क्या क्या दिक्कत है आपको? देखिए, जूनियर हाई स्कूल में यहाँ गांव का जो डैर का पानी है वो पूरा भर जाता है हर साल, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे शिफ्ट है। अब तो लगभग 3 साल से ये हमारे यहाँ ही है, जिसकी वजह से हमें भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब हमें एक कमरे में 2-2 कक्षाएँ लगानी पड़ रही है, हमारे पहली दूसरी के लिए कमरा नहीं है, 5वीं कक्षा हमें बरामदे में लगानी पड़ रही है, और बच्चों को ब्लैक बोर्ड और बैठने की बहुत दिक्कत हो रही है। आपने कभी उच्च अधिकारी को, अपने अधिकारी को कभी अपने? जी हाँ, हमने अभी पिछले साल भी यहाँ पे काफ़ी अधिकारी आए थे, BDO साहब, SDM और बल्कि और भी उच्च अधिकारी आए थे यहाँ पे फोटोग्राफी करके और लिख के भी ले गए, और हम AVSC साहब को भी कई बार सूचित करा चुके, लेकिन कोई इस पर वो नहीं हुआ अभी तक। बेटा आपका? बोला, मेरा नाम सुषमा है। बेटे, यहाँ आप बैठे हो जमीन पर, क्या कारण है? क्योंकि सर, हमारा जो स्कूल है जूनियर, वो पूरी तरह से डूब चुका है, उसमें पानी आ गया, इसलिए सर ने हमें ये कमरा दिया है, इसलिए, और कभी कभी ये कमरा फुल हो जाता है बच्चे से, इसलिए मैम बाहर बैठाते हैं, इसलिए हमारा स्कूल बनाया था। मेरा नाम सचिन है। सचिन, ये बताओ, यहाँ बैठे हो आप बाहर, जो आपका स्कूल है उसकी क्या स्थिति है और यहाँ बैठने का कारण क्या आपका? सर, ये स्कूल डूब गया है, सर इसलिए सर ने हमें एक कमरा दिया है, इसलिए तो वहाँ क्यों पानी भरा हुआ है, क्यों भर जाता है पानी? सर,
सर तालाब, वो तालाब है इसलिए डैर है तो इसलिए वो पूरा स्कूल डूब गया आपका। जी सर। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी यातायात नितेश प्रताप सिंह की देखरेख में यातायात पुलिस ने गांधीगिरी दिखाई। यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत हेलमेट धारण किए हुए लोगों को यातायात पुलिस ने फूल देकर सम्मानित किया। वहीं बिना हेलमेट वालों को ई चालान काटा गया तो वहीं यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे वाहन चालकों को जागरूक किया गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना का कारण शक बना है। दरअसल पत्नी फरजाना को इस बात का शक था कि उसके पति का किसी महिला से नाजायज संबंध है। इस बात को लेकर पति पत्नी में रोज विवाद हुआ करता था। आज भी ठीक बिल्कुल वैसा हुआ विवाद हुआ जिसमें गुस्से में आकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ये मृतका फरजाना है। इसमें सूचना मिली थी कि सुबह इसकी इसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में आज़ाद को गिरफ्तार भी किया गया और मृतका का बाद पंचायत नामा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख गया से इस कार्रवाई की जाएगी। चीज़ जो प्रकाश में आई है कि इसकी पत्नी से इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि आज़ाद के भाई की पत्नी से इसके अवैध संबंध है। इस शक के आधार पर पति पत्नी का झगड़ा हुआ और इसने गला दबा कर फरजाना की हत्या की। ग्वालियर में जियो ऑफिस पुल के नीचे एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। मृतक का नाम परमानंद तिलवानी बताया गया है। मृतक वर्तमान में जीवाजी यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। इस मामले में बताया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर मृतक काफी दिनों से परेशान था। कर्जा तो आपको पता नहीं है, कर्जा आया कि नहीं है तो बाद में पता लगेगा। अभी कुछ प्राप्त नहीं, एक मोबाइल मिला तो आईडी प्रूफ वगैरह का आईडी प्रूफ नहीं अभी प्राप्त। कहीं कहीं जाके सुसाइड किया है। बॉडी जो लोग देखने वाले बता रहे हैं बॉडी को कैसेट के नीचे रखा गया वो तो फिर टेन पुलिस किस तरह से जांच करेगी इस मामले में। आप कह रहे हैं कि अभी देखने में लग रहा है। हाँ देखने में आपको आधा एक घंटा हो गया है। अब देखने में तो जांच तो करते करेंगे इसको देखते भी मतलब बॉडी रखवाते हैं तो देख पुलिस का क्या कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई रखे वैसे परिवारजन आ गए हैं बॉडी रखवाते हैं पहले फॉरेंसिक में जाँच कराई जाएगी। शामली के गांव खुरगान में रात में ग्रामीणों की सूचना पर एसडीएम अमित पाल शर्मा ने छापेमारी की जिसमें भारी मात्रा में अवैध खनन होता पाया गया जिसमें एसडीएम के द्वारा कार्रवाई करते हुए दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए गए हैं। सभी जो रात में अवैध खनन पे छापेमारी की गई है क्या है सर? ग्राम ईश्वरपुर खुरगान में रात को मेरे द्वारा रात करीब 12 बजे के राउंड मेरे द्वारा और प्रशासन को साथ में और पुलिस को साथ में ग्राम ईश्वरपुर खुरगान में खनन पर छापेमारी की गई जिसमें 7 ट्रैक्टर और नियरबाउ 18 ट्रॉलीज और 4 बुगियाँ 1 बन्ना गाड़ी और 2 बाइकें जो सीज की गई हैं। रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें क्या कोई आरोपी भी गिरफ्तार है? इसमें मौके से कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। इदरीस जी जो ये जमीन जो आपकी खेती का जो नुकसान हुआ है क्या है? ये रेत का जो खदान लग रहा जी इसकी वजह से नुकसान हो रहा जी और ज़मीन जो है ना बहुत ज़्यादा सारी ज़मीन की जी और जो है गाँव को खतरा हो रहा गाँव जाने का भी खतरा हो रहा जी। कहाँ गिर गई ज़मीन? ये इस खदान की वजह से भी ये जो खदान लग रहा मंडावर यहाँ खुरगान के सामने जी और जब यह खदान लगा जब भी यहाँ जो है ना डायप ज़मीन गिर जा और सारी ज़मीन ये हमारे गांव की बहुत सारा जंगल ख़त्म हो गया जी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये खदान बिल्कुल कभी भी ना लगे मोहम्मद आवार ना मोहम्मदपुर ना यहाँ खुरगान। इससे आपकी ज़मीन को नुकसान हो रहा है? जी हाँ सारी हमारी ज़मीन। अध्यापक और अधिकारी मिलकर योगी सरकार के आदेशों का पालन न कर योगी सरकार को साफ साफ ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मामला शामली के ऊन तहसील के गांव हरसाना का है जहां सरकारी स्कूल में बच्चों को भी झाड़ू लगानी पड़ती है। झाड़ू लगाने के लिए बच्चों को अध्यापकों से पहले पहुंचना पड़ता है और बच्चे अध्यापकों से पहले पहुंचकर साफ सफाई करते हैं ताकि साफ सफाई करने के बाद पढ़ाई शुरू कर सके। झाड़ू देने के लिए किसने बोला?
तुम्हें किसने बोला था? किसने बोला था तुम्हें? सर जो ना कहा था कौन से सर ने कहा था? अरविंद ने कि झाड़ू लगा देना। रोज कौन लगाता है झाड़ू? सब लगाया। बच्चे ही लगाते हैं? सफाई कर्मी नहीं आता यहाँ हैं? बच्चे ही लगाते हैं रोज? मैंने आपके गांव अरसाना गांव पढ़ता है स्कूल में, जो स्टूडेंट बच्चे हैं स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आए, मैडम उसके बारे में आप क्या? आपने मुझे वीडियो में दिखाया है, संज्ञान आपकी बात से मुझे मिला है, तो इसमें जाँच करा के कार्रवाई करूँगी। ये गलत है अगर ऐसा बच्चों से कराया जा रहा है, और जो इसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैडम जैसा ये स्कूल में शिक्षा मित्र है और इंचार्ज चार्ज ले सकता है शिक्षा मित्र वहाँ? ये स्कूलवार स्थिति के ऊपर है कि कार्यरत अध्यापक कौन है वहाँ या शिक्षा मित्र, ऐसा कोई संज्ञान में मेरे नहीं है कि शिक्षा मित्र के पास कोई चार्ज है। हरसाना गाँव में दीपा, अभी मैंने वहाँ हरसाना गांव में एक अध्यापक की नियुक्ति कर दी है, क्योंकि वहाँ अभी तक अध्यापक नहीं थे, शिक्षा मित्र स्कूल को चला रहे थे। यहाँ ज़िले में स्कूलवार अध्यापकों की कमी है, तो अभी एक नियुक्ति कर दी है, नई नियुक्ति की है, वो पहुँचेगी वहाँ पर। कुशीनगर में हुई लगातार बारिश से शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मोहल्लों और गाँवों में इतना पानी भर गया है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कहीं कहीं तो लोगों के घरों में भी पानी चला गया है। इसके अलावा प्रमुख सड़कों, अस्पतालों और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसटीएफ जबलपुर और स्टेट साइबर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजस्थान के झालवाड़ में रहने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के पास से 4 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की है। आपको बता दें कि बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। मृजी आज एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई है और कितना क्या पकड़ा गया है? जी हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय स्पेशल डी जी एसटीएफ श्री कंसम सर के डी जी श्री सुरक्षा सर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमीनी विवाद के चलते महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अभी मैं पढ़ूंगा, अभी रुक जाओ। ग्राम कुशली में आज रात की घटना है, 10 बजे के बाद की। उसमें प्रेमबाई करके महिला है, लगभग 50-55 साल की उम्र है। उनको उनके घर में सोते हुए तकिया लगाकर उसके मुंह पे दबा करके हत्या प्रथम दृष्टया करना पाया गया है। FSL एक्सपर्ट और डॉग से काफ़ी बारीकी से मैं भी स्पॉट पर गया था। मुरादाबाद में आज तेज बारिश ने तबाही मचा दी है, जहां एक मकान के ढह जाने से एक महिला की मौत और एक बच्चा घायल हुआ है। यह हादसा इतना भयंकर था कि चीख पुकार की आवाज आने के बाद ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और इसकी जानकारी डायल 100 की दी। पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू चलाकर महिला और बच्चे को मलबे से बाहर निकाला। वहीं आपको बता दें कि महिला की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन बच्चे को उपचार के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इसमें यह मामला आया कि मुझे अर्ली मॉर्निंग आज सूचना मिली थी कि ग्राम सुंडारा में राजेश पाल हैं, रात 1 बजे उनका एक पक्का मकान वो अति वर्षा के कारण गिर गया और मकान के मलबे में उसकी पत्नी चैना उम्र 42 वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग सुबह सुबह मौके पर पहुँचे, वहाँ के जो पुलिस विभाग के लोग थे वे भी वहाँ मौके पर मौजूद थे। मौके की जांच में हमने वहाँ पाया कि यह पूरा प्रकरण देवी आपदा के अंतर्गत आता है, तो तत्काल ही हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भी भेजी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृतक का जो मकान ध्वस्त हुआ है उसके लिए शासनादेश के अनुसार 95,100 रुपया तथा कपड़ों के लिए 1,800 रुपये, बर्तन व अन्य घरेलू सामग्री के लिए 2,000 रुपये और पीड़ित व्यक्ति श्री राजेश कुमार का एक पुत्र बॉबी, उसका इलाज जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में चल रहा है, उसके लिए 4,300 रुपये तथा मानव मृत्यु की दशा में 4,00,000 रुपया उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जो शाम होते होते
यह समस्त धनराशि इनके खातों में पहुंच जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में दिल्ली की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि छात्रा से दो युवकों ने चाकू की नोक पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वही बताया जा रहा है कि छात्रा छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आई हुई थी। वहीं अब एसएसपी के आदेश पर गैंगरेप और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सर, एक गैंगरेप का मामला है, क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बुलंदशहर के थाना नरसेना में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद प्रकाश में आई थी अभियुक्तों के द्वारा। उसके संबंध में तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अब पीड़िता का 164 सीआरपीसी का बयान और मेडिकल कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र ही संपादित की जाएगी। सर, जो पॉस्को एक्ट भी लगाया गया इसमें? बिल्कुल, आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है।